उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शासन के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है, जिसके बाद तमाम धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने और कई स्थलों पर ध्वनि तीव्रता कम करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर बरेली में भी धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर लाउडस्पीकर उतरवाए गए, साथ ही कई स्थलों पर ध्वनि की तीव्रता को भी कम कराया गया है। वहीं पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार बरेली में 30 धार्मिक स्थलों से उनके प्रमुखों के सहयोग और उनकी इच्छा से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। इन धार्मिक स्थलों में 10 मंदिरों समेत 20 मस्जिदें शामिल हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में 150 धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता को कम किया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार क्षेत्र में ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर रही हैं जिनके लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता अधिक है, जिसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जनपद बरेली में अभी तक लगभग 30 धार्मिक स्थल है जिनसे कि लाउडस्पीकर को जो धर्म स्थल है उनके जो प्रमुख हैं उनके सहयोग से और की इच्छा से उतरवाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो लगभग 150 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर जो उसकी ध्वनि है उसकी तीव्रता को कम किया गया है, और इसी क्रम में हमारी जो टीम है पुलिस प्रशासन की जो टीम है लगातार क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है जहां पे ध्वनि की तीव्रता अधिक है और वहां पे लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो डाटा है उसमें 10 मंदिर और लगभग 20 मस्जिदें हैं जिसमें कि धार्मिक जो लाउडस्पीकर वो उतरवाया गया है, लगभग 150 इसके अलावा जो है उनकी जो तीव्रता है उसको कम किया गया है।